भारत विकास समिति चांदपुर द्वारा 25 मांगों को लेकर तहसील परिसर में 24 घंटे का धरना दिया गया, जिसमें 5 लोग उपवास पर बैठे। धरने में अधिवक्ताओं, समाज सेवियों, किसानों ने दिया अपना समर्थन दिया। जानकारी के अनुसार भारत विकास समिति चांदपुर द्वारा तहसील परिसर में 25 मांगों को लेकर धरना दिया गया, जिसमें 5 लोग उपवास पर बैठे। धरने में अधिवक्ताओं के साथ समाजसेवी एवं किसानों ने भी भरपूर समर्थन दिया। भारत विकास समिति ने जनहित में दवाइयां के दाम कई गुना अधिक लिखे होने पर पाबंदी लगाना, विकलांग विधवा एवं वृद्धा पेंशन 3000 रुपये मासिक करने, गन्ना मूल्य 450 रुपये करने, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने, छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ बस ट्रेन में निःशुल्क यात्रा, 200 यूनिट तक गरीब लोगों को फ्री बिजली देने, आयुष्मान कार्ड से इलाज की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ाई जाने, बेरोजगारों को 200 दिन की रोजगार की गारंटी देने, आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने, अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपये तक का आरआरएन बिना प्रतिभूति के दिलाए जाने के साथ जनप्रतिनिधियों की पेंशन एवं भत्ते बंद किए जाने की मांग रखी गई। धरने पर बैठे लोगों के बीच नायब तहसीलदार ने आकर भारत विकास समिति द्वारा रखी गई सभी मांगों को गंभीरता से सुना तथा अपने आश्वासन में कहा कि जो भी मांगे तहसील स्तर से संबंधित है उनको शीघ्र पूरा किया जाएगा। नायब तहसीलदार ने उपवास पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर उनका उपवास तोड़वाया तथा धरने को समाप्त कराया। धरने में कुलदीप सिंह एडवोकेट, इंतजार जैदी एडवोकेट, नीरज तिवारी एडवोकेट, राजीव गर्ग एडवोकेट, हुजूर मेहंदी एडवोकेट, विजयपाल सिंह एडवोकेट, शिवकुमार निराला एडवोकेट, सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, चौधरी सबल सिंह, छतत्रपाल सिंह, अरुण शर्मा, अनिल शर्मा, गोविंद मित्तल आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। सिंह एडवोकेट, संस्थापक एवं जिलाध्यक्ष भारत विकास समिति। भारत विकास समिति पिछले 15 वर्षों से चांदपुर क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य कर रही है। समय समय पर हम जो जनहित की मांगे उठाते रहते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम हो, मेडिकल कैंप लगाने का कार्यक्रम हो, पीछे रिहा वितरण हमने करे था, जो भी हमसे मन पड़ता है समाज के लिए हम कुछ अच्छा करें, इसीलिए हमने हमारा एक संगठन है भारत विकास समिति, इसकी तरफ से हमने भारत विकास समिति की तरफ से हमने ज्ञापन दिया था 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री जी को। 25 सूत्री हमारा मांग पत्र था, इसमें हमारी मांगे हमने कहा जनसंख्या कानून लागू किया जाए, सभी विद्यालयों में एक सा पाठ्यक्रम हो, 8वीं तक सभी बच्चे एक सा किताबें पढ़े, ये हमारी मांग थी। छुट्टे पशु एक समस्या बन चुके हैं, छुट्टे पशुओं के समाधान के लिए हमने मांग करी। हमारी मांग है कि अगर बजट कम है तो जो शराब की बिक्री है उस पर प्रत्येक अदद पर 10 रुपये अलग से गाय विकास शुल्क लगा दिया जाए तो काफी सारा बजट इकट्ठा हो जाएगा। किसान बहुत परेशान है कि छुट्टे पशुओं से इसका समाधान किया जाए। हमारी मांग है मेडिकल में जो दवाइयाँ हैं इनके बहुत ही उल्टे सीधे रेट हैं। 10 साल केंद्र सरकार को हो गए, 5 साल सूबे में सरकार है, इन लोगों को पूरा बहुमत है, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी नीति नहीं बना पाए जिससे मेडिकल में जो उल्टे सीधे रेट हैं इन पर अंकुश लगाया जाए। एक हमारी मेरी मांग जो है दिल के बहुत नजदीक है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है या जो लोग बीपीएल कार्ड धारक है उन्हें कोई भी डॉक्टर अपना परामर्श शुल्क ना ले। प्राइवेट डॉक्टर से भी मेरी अपील है कि सीनियर सिटीजन को और बीपीएल कार्ड धारकों को परामर्श शुल्क से फ्री किया जाए, उनको फ्री परामर्श का सुविधा दी जाए। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाए। बालिकाओं को अगर हमें समाज में आगे लाना है तो बालिकाओं की शिक्षा फ्री की जाए और बालिकाओं को जो है ट्रेन में बसों में उनका जो है किराया फ्री किया जाए। दिल्ली में ऐसा हो गया है, केजरीवाल कर रहे हैं, निर्णय लेने की आवश्यकता यहाँ भी किया जा सकता है। हमारी मांग है गरीब लोगों को 200 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाए। किसानों के विकास की सरकार बात करती है, ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, अगर यहाँ इथेनॉल के प्लांट लगा दिए जाए, इथेनॉल को डेवलप किया जाए, इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दी जाए तो गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। हमारे यहाँ गुड़ का उत्पादन होता है, अगर ये गुड़ विदेशों तक जाए, खाड़ी देशों में जाए, अरब कंट्रीज में जाए तो गुड़ किसानों की और अच्छी हालत हो सकती है। सरकार जो है गरीब महिलाओं को लोगों को रोजगार में बात करती है, गाँव में रोजगार देना है तो जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें आप गाय भैंस ब्याज सहित सब्सिडी वाला ऋण दे आपने, उस ऋण से माताएं बहनें अपने बच्चों का परिवार पाल सकती हैं। इसका जो है इन लोग सड़क सही करके बने और हस्तिनापुर को जो है सही करके
बहुत जल्दी जो है दिल्ली को चांदपुर से एक बस की जो है सेवा शुरू की जाए और हमारी मांग है कि जनप्रतिनिधियों की पेंशन जो है समाप्त की जाए। आजकल जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं कितना रोक कर रहे हैं कि 500 लाख करोड़ रुपए तो इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, कहां इन लोगों में पैसे की कमी है, इन लोगों की बिल्कुल जो है पेंशन जो है ये बंद कर दी जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हमारा 24 घंटे का धरना और उपवास कार्यक्रम है। 5-6 जो हमारे साथी हैं वो बिल्कुल उपवास पर हैं। सुबह 11 बजे हम ये समाप्त करेंगे और हम मांग करते हैं समस्त जनता से और सभी राजनीतिक दलों से कि वो इन मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और सरकार जो है इन मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करे। समिति के द्वारा दी गई है 25 मांगे हैं, इसमें से कुछ मांगे ज्यादातर मांगे ऐसी हैं जिनका नीति निर्धारण किया जाना है शासन स्तर पर, उस संबंध में यहाँ से पत्राचार किया जाएगा और जो भी उचित पैरवी होगी वो भी लगातार की जाएगी। और मेरा अपना अनुभव जैसा रहा है अभी तक का यहाँ पर, यहाँ की बार हो या यहाँ के किसान यूनियन के जितने भी नेतागण हो अपने सभी का सहयोग मिलता रहा है, ये भी एक अच्छी पहल है। और जो तहसील स्तर के कार्य हैं उनको जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा, जैसा कि आपने कहा एक अभियान चलाकर एक हफ्ते के अंदर अंश निर्धारण की जो समस्या आ रही है उस पर मैं व्यक्तिगत देख लूँगा। और छोटा पशुओं के संबंध में तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा हर प्रति हफ्ता एक मीटिंग भी की जाती है शाम को VC, और इस पर काफ़ी फोकस है प्रशासन का भी, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन सभी का, इससे भी जल्दी ही निजात मिल जाएगी। धन्यवाद।